तो सैमसंग ने वन यू आई 6.0 का बीटा वन अपडेट रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है अपने S23 सीरीज के लिए। और वन यू आई 6.0 बीटा वन में काफ़ी सारे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सैमसंग वन यू आई 6.0 के गैलरी के 4 नए फीचर्स। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले 3 ही ऑप्शन रहते थे, कॉपी, शेयर, सेव एज इमेज, लेकिन यहाँ पर एक और नया फीचर ऐड कर दिया गया है, सेव एज स्टिकर। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, वन यूआई 5.1 में इमेज क्लिपर सैमसंग की तरफ से आया था, तो उसमें जब आप सेव एज इमेज पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाता था, लेकिन वन यूआई 6.0 में जब आप सेव एज स्टिकर करेंगे तो वो स्टिकर के रूप में सेव हो जाएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि सैमसंग की तरफ से ऐड किया गया है। इसके अलावा एक और नया फीचर ऐड किया गया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आप किसी भी मल्टीपल फ़ोटोज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उन मल्टीपल फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लीजिए गैलरी में और किसी भी एप्लीकेशन में जाकर कुछ इस तरह से पेस्ट कर दीजिए, तो ये पेस्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी फीचर ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर गैलरी में जब आप किसी फ़ोटो का डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर इंटरफेस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई इफ़ेक्ट आपने ऐड किया हो, जैसे पोर्ट्रेट इफेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इरेजर आपने यहाँ पर अगर यूज किया हो, रिमास्टर किया हो इमेज को, तो यहाँ पर ये शो करता है दोस्तों, जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर है। और सैमसंग ने इसको जो है वो वन यूआई 6.0 बीटा वन अपडेट में रोल आउट कर दिया है। अगले फीचर की बात करें तो फोटो एडिटर को सैमसंग ने कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया है। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को भी रीडिज़ाइन कर दिया गया है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर अब जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाता है, जैसे आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, शार्पनेस को यहाँ पर जो है वो आप एडिट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इरेजर को आप यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं दोस्तों जो कि सैमसंग की तरफ से फ़ोटो एडिटर में देखने को मिल जाते हैं, और कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए होंगे। तो ये कुछ चेंजेस किया गया है दोस्तों, और भी काफ़ी सारे चेंजेस होंगे क्योंकि अभी बीटा 2 अपडेट, बीटा 3, बीटा 4 अपडेट में और भी चेंजेस किए जाने वाले हैं सैमसंग की तरफ से। तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।